उनके हाथ में वेपन दिए हमने। जो करकरे का मर्डर हुआ, जिसने झूठा इन्वेस्टिगेशन किया था, उसके पास से इन्वेस्टिगेशन लेके करकरे ने सही इन्वेस्टिगेशन किया। 18 बॉम्ब स्फोट थे आरएसएस के, और वो मारने के बाद, करकरे को मारने के बाद वही आदमी के पास वो इन्वेस्टिगेशन गया। मोदी शाह जिस तरह से काम ढंग गुजरात में कर रहे थे, सबको मालूम था। मेरे गुरु जस्टिस कृष्णा एरो जस्टिस सावंत, उन्होंने यहाँ का इन्वेस्टिगेशन किया था वहां का, और रिपोर्ट दिया था कि मोदी शाह शुड नॉट बी गिवन एनी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट और मोदी शाह शुड बी प्रोसिक्यूटेड फॉर मास मर्डर्स। आईबी का चीफ होता है, दूसरा भाई आरएसएस का चीफ होता है। एक पुलिस का ससुर आरएसएस का चीफ होता है, तो पुलिस का दामाद तो उनका दामाद पुलिस का चीफ होता है। ये नहीं करने का कारण ही है कि सभी जो जिनको कहते हैं जहरीली विचार वाले साथ आए, और साथ आके वो चाहते हैं कि मोदी कुछ भी करे। दूसरा, आपने जुडिशियरी के बारे में जो कहा है पार्लियामेंट में, आफ्टर बाबरी मस्जिद डिमोलिशन एक्टिविज्म इन जुडिशियरी बदल आपने जो बोला, वो मैंने, मेरा पॉइंट था। लेकिन सबसे अहम पॉइंट मेरा है, आपके बेटी ने जो आपको कहा, अप्पा वाम को बहुत गंभीरता से आत्मावलोकन करना होगा, और वो जो मुद्दा है वो इतना अहम है कि मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा कोई भाषण करने की ज़रूरत है। मैं बचपन से कम्युनिस्ट हूँ, कार्ड होल्डर नहीं हूँ, लेकिन कम्युनिस्ट घर में पला हूँ। पानसरे मेरे भाई जैसे दोस्त थे, और मैंने और उन्होंने लिए सब्जेक्ट लिया था हु किल्ड करकरे। पानसरे पहले शुरू में मुझसे नाराज थे कि आप बहुत ब्राह्मणवाद के खिलाफ बोलते हैं, ब्राह्मणों के खिलाफ, ब्राह्मणवाद उनको कबूल था। लेकिन उन्होंने खुद फोन किया कि उन्होंने एक छोटी किताब पढ़ी और बोले कि यार आप कहता है वो सही है, ये करकरे के मर्डर में तो इनका ही हाथ है। तो मैं खुश हुआ, उन्होंने हमें बुलाया, कोल्हापुर में पहली मीटिंग ली हमने, और उन्होंने कहा कि हम अभी 150 मीटिंग लेंगे इसके बारे में। कोल्हापुर में फुल रिस्पांस था उसका, और वो सब्जेक्ट लेके हम 150 मीटिंग। तो मैं तीसरी मीटिंग करके वापस आ रहा था, तो पानसरे ने फोन किया आप कहाँ है, तो मैंने कहा मैं कोल्हापुर के नज़दीक हूँ। तो बोले मुझे ठीक नहीं है, मैं ठीक नहीं हूँ, आप आइए तो हम हमारे घर में बैठेंगे। पहली बार उन्होंने मुझे घर बुलाया, वो आते थे सर्किट हाउस मिलते थे। मैं गया तो वो तब तक उनको शूट किया था, दैट वॉज कंप्लीट, शूटिंग वॉज कंप्लीटेड, और हॉस्पिटल में उनको रिमूव किया था। हम वहाँ गए, आपका उस दिन पहले पार्लियामेंट पोलिट ब्यूरो का स्टेटमेंट आया राजा जी, और वो स्टेटमेंट था कि हु किल्ड करकरे के इश्यू पर पानसरे को धोखा हुआ। लेकिन वो स्टेटमेंट रातों रात बदल दिया, और फिर टोल प्लाजा के लिए पानसरे का मर्डर हुआ, ऐसा स्टेटमेंट रात को आया। ओरिजिनल स्टेटमेंट हमारे पास है और दूसरा स्टेटमेंट आया। तो वामपंथियों को आत्मावलोकन की जो आपकी इच्छा बेटी ने जताई है, तो ऐसा क्यों हुआ? तो आपका आदमी, इतना नेक आदमी, इतना लड़वाई आदमी, उसको प्रोटेक्शन देने के बजाय आप कहाँ खिसक गए? तो मैं पहले से बोलता था कि सब जो हमारे उच्च प्रति के मार्क्सवादी थे, जिनमें ये देवीदास देवी प्रसाद तो चट्टोपाध्याय, जिन्होंने लोकायत लिखा, वैदिक संस्कृति के बारे में लिखा, श्रवण संस्कृति के बारे में लिखा, वो तो कट्टर मार्क्सवादी थे। राहुल संस्कृतायन, वो भी श्रवण संस्कृति के, और उन्होंने लिखा था होलगा टू गंगा। फुले अंबेडकर, तो अभी आप हम उधर बात कर रहे थे कि हमें फुले अंबेडकर को स्वीकार करना चाहिए था, सीताराम भी बोल रहे थे, यानी जय सीताराम बोल रहे थे, और जयराम रमेश। तो ये सब जो है, इसका हमें आत्मपरीक्षण करना चाहिए कि हम, देखो ना, हमारी गेल अंबेडकर के परदेशी भाई, जिन्होंने फुले अंबेडकर पर बहुत अच्छा लिखा है,
और वो संत तुकाराम को संत तुकाराम नहीं कहती है, वो तुकार तुकार तुका तुकोबा राय कहती है। यानी वो उनका कहना था वो सामाजिक शास्त्रज्ञ थे और वो संत नहीं थे, या किसी ने उनको फिर भजन के लिए नहीं काम करते थे। वो जब हम इस लाइन पे सोचेंगे तो अभी जयराम रमेश की बात हुई, सीताराम येचुरी की बात हुई, सिद्धार्थ की बात हुई, ये सब लोग, मैं 80 साल का हूँ, मुझे अधिकार है कि आपसे कुछ अच्छी बातें कहे बोले कि जो बात हमें सबको सोचना चाहिए। अभी आपने कहा हमारी तीसरी क्या बोलते हो, कोएलिशन गवर्नमेंट कांग्रेस के साथ होने की आशा है और उसके लिए हम एजेंडा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तीसरा बैठने की बात कर रहे हैं। हम आपको शुभकामनाएं देते हैं, बेस्ट ऑफ लक कहते हैं, लेकिन ये होने के बाद भी यदि आप 208 जैसा कानून करेंगे, NIA जिसका आज हम सब भुगत रहे, UAPA जिसका हम सब भुगत रहे, जिनके लिए कानून बनाया था उनके हाथ में वेपन दिया हमने, जो करकरे का मर्डर हुआ, जिसने झूठा इन्वेस्टिगेशन किया था उसके पास से इन्वेस्टिगेशन लेके करकरे ने सही इन्वेस्टिगेशन किया, 18 बॉम्ब स्फोट थे RSS के, और वो मारने के बाद, करकरे को मारने के बाद वही आदमी के पास वो इन्वेस्टिगेशन गया, कांग्रेस का रास्ता। तो ये जो सब हमारी गलतियां है, और मोदी शाह जिस तरह से काम ढंग गुजरात में कर रहे थे सबको मालूम था। मेरे गुरु जस्टिस कृष्णा अय्यर और जस्टिस सावंत, उन्होंने यहाँ का इन्वेस्टिगेशन किया था वहाँ का, और रिपोर्ट दिया था कि मोदी शाह शुड नॉट बी गिवन एनी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट और मोदी शाह शुड बी प्रोसिक्यूटेड फॉर मास मर्डर्स। इफ दैट रिकमेंडेशन ऑफ बोथ ग्रेट जजेस जस्टिस कृष्णा अय्यर एंड जस्टिस सावंत वृंदा नोज देयर वर्क, तो दिस कंडीशन वी आर इन सच ए कंडीशन टूडे, वी हैव नो वे आउट टू गो बैक और गो अहेड, सो दिस वुड नॉट हैव अराइज्ड। हम इसलिए मैं बाद में बोलना चाहता था, लेकिन सीताराम येचुरी को जरा जल्दी थी, लेकिन हम सब यहाँ के नामचीन लोग जो बैठे हैं, फॉर्चुनेटली कांग्रेस का भी जयराम रमेश एक अपने देश हमारे यानी आंदोलनजीवी लोगों को, हम जब सब आंदोलनजीवी है तो आंदोलनजीवियों को सम्मान सत्कार करने वाले हैं, तो हम सब ने सोचना चाहिए कि ये किस कैसे होता है और हमें कैसे आगे बढ़े, हम कैसे आगे बढ़ेंगे। मेयर UPA लाने से काम नहीं चलेगा, हमें जड़ से हमें देखना पड़ेगा कि हमारा दुश्मन कौन है, हम कौन सी सोच ऐसी है कि जिस सोच ने हमें यहाँ तक लाया है। मैं तो आपके माता पिता राजा के और आपकी बीबी और बेटी सबका शुक्रगुजार हूँ कि आपने, आप सबने मिलकर आपको इतना बड़ा बनाया, आप उनके बिना नहीं बन सकते थे, क्योंकि माता ने तो चप्पल छोड़ दी इसीलिए कि कन्फ्रंटेशन नहीं तो चप्पल नहीं पहनेंगे ना, तो रिस्पेक्ट भी रखा, चप्पल भी नहीं पहनी, यही आपके ब्लड में है। और ये लोग अपने जो काम किया, हम सब सोच समझते थे कि पानसरे के लिए न्याय मिलेगा, पानसरे का तो दूर रहा, उसके बाद भी जब भी कम्युनिस्ट पार्टी को मौका मिला, यदि हम आज भी बैठ के, और ये मेरी खास विनती है जयराम को, देखो ये यदि हम सही चारवाक की परंपरा, बुद्ध की परंपरा, इसके ऊपर देश का प्रबोधन करते, देश को हम आगे ले जाने में क्या दिक्कत है, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। लेकिन आज सब हम डरते हैं, एक सोच को डरते हैं, एक जहरीली सोच वाले को डरते हैं, और हम आगे बढ़ ही नहीं रहे। फिर हम जनेऊ दिखाने लगे हैं, फिर हम शांडिल्य वृत्ति दिखाने लगे हैं, फिर हम वही वो जो बोलते हैं उनसे थोड़ा सुधार करके हम बात करते हैं, तो लोगों को किस पे भरोसा रखे, लोग क्यों भरोसा रखे। इसलिए हमें एक नई दिशा लेनी चाहिए, नया संदेश देश में जाना चाहिए कि यस, हम देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय या राहुल सांस्कृतिकायन या DD कौशाम्बी, ये श्रमण संस्कृति के हम वारसदार हैं, हम होलगा से गंगा उनके उनके उनका जो संदेश है वो हम उसका संदेश के भागी बांधिल है, और बाबा साहब का अनिलेशनम कास्ट,
जो गांधी का आपने किताब दी थी मुझे अभी, जो आपने वहां लिखा है वही बाबा साहब ने बोला था, हम कहीं भी गए कितने भी हमने प्रोग्रेस करी तो जात हमारे आ जाती है, हमें रोड़ा डालती है। तो ये जब तक हम संदेश लोगों को नहीं देंगे तो हम नई सरकार बनाएंगे, और वही एक भाई आईबी का चीफ होता है, दूसरा भाई आरएसएस का चीफ होता है, एक पुलिस का ससुर आरएसएस का चीफ होता है, तो पुलिस का दामाद तो उनका दामाद पुलिस का चीफ होता है। तो ये जो सब यंत्रणा सड़ी हुई है, आप भी पावर में आते हैं तो आपको मालूम है कितना डिफिकल्ट है काम करना। मुझे आज देश में एक ही होप है, केरला कम्युनिस्ट, केरला की जो राज चल रहा है और केरला के लोग जिस तरह से देश पर राज चला रहे हैं उनका मुझे बहुत, उन पर मुझे बहुत नाज है, क्योंकि मैंने बहुत उनका अभ्यास भी किया है। आप सब लोग मिलके, मैं आप सबको वादा करता हूँ कि आपके साथ हम आखिरी सांस तक काम करने को तैयार हूँ, लेकिन हमें इस लाइन से चलना चाहिए। मैं बोलता हूँ कि मैं बॉर्न कम्युनिस्ट हूँ, लेकिन मैं इन 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 लोगों के पैदान पर यानी मार्ग पर चलने का कोई किसी ने कोशिश की ऐसा मुझे लगा नहीं। तो ये होना चाहिए, जब तक ये नहीं होगा तो हम सब, या भी सिद्धार्थ राजे, जयराम रमेश, सीताराम येचुरी, हम सब जो इतने नामचीन होशियार समाज के प्रति करुणा है ऐसे लोग हैं, इनको सबको ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और ये लेने के लिए ही मैंने आज यहाँ आया था कि इतने नामचीन लोग मिलेंगे तो उनके साथ थोड़ी बात हो जाएंगी, डायलॉग हो जाएगा। राजा को मैंने आज पहली बार मिला, लेकिन जहाँ जहाँ मैं आंदोलन करता था राजा भी वहाँ उसके बाद या पहले आते थे, हम दूसरों के नाम से जानते थे। तो मैंने आते ही बोला कि भाई हम दोनों आंदोलनजीवी इसलिए मिले। आजकल आंदोलनजीवी की जो क्या बोलते हैं टिंगल टवाली हो रही है, यानी दे आर डिसरिस्पेक्टेड, इनको मालूम ही नहीं कि संविधान क्या है। और इसके ऊपर भी आपका पार्लियामेंट में स्पीच अच्छा है कि ये जजेस क्या इंटरप्रिट कर रहे हैं, इसका आंदोलन की इंटरप्रिटेशन क्या कर रहे हैं जजेस। तो ये सब जो हुआ है 2014 के बाद तो आपने देखा होगा कि जुडिशरी काम ही नहीं कर रही है। और ये नहीं करने का कारण ये कि सभी जो जिनको कहते हैं जहरीली विचार वाले साथ आए और साथ आके वो चाहते हैं कि मोदी कुछ भी करे, नो क्वेश्चनिंग, उसको उनको सवाल ही नहीं करेंगे। यदि यही चलता रहा सिलसिला तो हम अभी उनके पास सब ताकत है, उनके पास बहुत पैसे हैं। कपिल सिब्बल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके उनके नोटों का गोडाउन दिखाया था, गोडाउन, लेकिन कभी प्रेस ने वो दिखाया नहीं और कभी बाहर आया नहीं कि नोटबंदी के पहले नोटबंदी के बाद के सबके, ये कपिल सिब्बल ने अच्छा एक वीडियो ऑल इंडिया प्रेस को दिखाया था, लेकिन उसको नहीं, नोबडी टू कॉग्निजेंस। तो हमें डी राजा, सीताराम येचुरी, जयराम रमेश जैसे पार्लियामेंटेरियन चाहिए, उनके माध्यम से ही हम ये जो मैंने अभी सबसे बड़े लोगों का नाम लिया, विद्वान लोगों का नाम लिया, उनका काम देश के सामने जाना चाहिए। और उनको फॉलोअप किए बिना हम सिर्फ नया सरकार ला के काम नहीं कर सकते, ऐसी मेरी धारणा है। तो मैं आप सबको विनती करता हूँ, मैं राजनीति में नहीं हूँ ज़्यादा, लेकिन है, और जो है वो आपके माध्यम से है। जयराम रमेश जी को मैं मिला था मद्रास एयरपोर्ट पे, वो भूल गए, वो ग्राम विकास मंत्री थे और मैं आंदोलन कर रहा था कुडमकुलम का, और मैं आया था एयरपोर्ट पे तो बात हुई, मैंने कहा कि मैं उधर पीले राशन कार्ड के लिए आंदोलन कर रहा हूँ महाराष्ट्र में, तो आपने बोला अच्छा है आपके आंदोलन के हमें मालूमत है, क्योंकि आपके महाराष्ट्र के लोग ही अन्न सुरक्षा के लिए विरोध कर रहे हैं, अन्न सुरक्षा कानून लाने की पहले की बात थी। और हमने हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन किया था कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पे भी राजा अच्छा बोलते हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स नाउ टाइम हैज कम दैट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स शुड बी ट्रीटेड एज फंडामेंटल राइट्स, उसके लिए कुछ करो ऐसे कोर्ट को विनती, लेकिन वृंदा जानती है और अभी तो कोई गुंजाइश नहीं है कुछ ऐसा बोल के खड़ा होना सुप्रीम कोर्ट में डिफिकल्ट है। आजकल के चीफ जस्टिस अच्छा बोल रहे लेकिन अभी तक उसकी रिजल्ट हम देखने के उत्सुक है।
मैं सबको विनती करता हूँ कि हमें नए सिरे से सोचना हो, और नए सिरे से सोचने के लिए हम सब, आप सबके हम सेवक बनने को तैयार है, लेकिन आप और हम मिलके ये सोचे ये करें तो ही हम कुछ देश में पा सकते हैं। मैं फिर से राजा का, मेरे यंग फ्रेंड है लारेब, उसका नाम लेना थोड़ा डिफिकल्ट जाता है अभी तक, तो उसने मुझे एक बार राजा को मिलने की कोशिश करी थी, लेकिन उस दिन राजा दिल्ली के बाहर थे। मैं उसका भी आभारी हूँ, राजा का आभारी हूँ, और मैं एक सही मायने में कहता हूँ कि राजा आप जो है राजा दी राजा, कि आपके माता पिता और आपकी बेटी और वाइफ के बदौलत है। जय भारत।